देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बीकी शिवानी को सुनने पहुंची 10,000 की सभा। गुजरात के विद्याभूमि वल्लभ विद्यानगर में आयोजित फीलिंग फाइन एंड फॉर्चुनेट विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अवसर पर सरसा से परम पूज्य अविचल देवाचार्य महाराज ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। महामंडलेश्वर समेत करीब 20 महानुभावों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। स्थानीय प्रभारी बीके जागृति के निर्देशन में हुए इस भव्य आयोजन में बीके शिवानी ने खचाखच भरी सभा को कर्मों की गुह्य गति का रहस्य समझाया। जब कलयुग का समय चलता है तो बाहर सारी चीजें परफेक्ट हों ये जरूरी नहीं है। आज परफेक्ट है, अचानक कल बदल सकती है बाह्य, लेकिन कलयुग में रहते हुए भी मेरा मन सत्युग हो ये हो सकता है। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वल्लभ विद्यानगर स्थित वर्ल्ड ऑफ साइलेंस रिट्रीट सेंटर में सभी वरिष्ठ बीके बहनों और बीके शिवानी द्वारा पीस लाउंज का उद्घाटन किया गया। इस पीस लाउंज में तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं, आर्ट थेरेपी, ऑडियो विजुअल मेडिटेशन रूम, थॉट लैब, बुक कैफे, योगा एंड एक्सरसाइज रूम जैसी विभिन्न चीजों से परिपूर्ण यह पीस लॉन्च सभी को शांति की अनुभूति कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। राजकोट में वॉक फॉर वाटर कैंपेन की शुरुआत। राजकोट में जल बचत को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जल जन अभियान के तहत संस्था द्वारा वर्ल्ड वाटर वीक की शुरुआत की गई है। श्वेत वस्त्रों में पानी की बूंदों का परिवेश लिए बीके सदस्य संदेश देते हुए ऐसे लग रहे थे मानो स्वयं नदियों से निकलकर पानी की बूंदें अपने संरक्षण का संदेश देने रास्ते पर उतर आई हों। करीबन 250 भाई बहनों ने वॉक फॉर वाटर द्वारा अलग अलग स्लोगन्स को हाथ में लिए नारे लगाए, साथ ही स्थानीय लोगों को पानी बचत का संदेश दिया। आजी डैम से शुरू होकर त्रंबा हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर तक पदयात्रा की गई। इस कड़ी में सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल समेत अन्य बीके सदस्य, तो वहीं अतिथियों में बीकूबाई विरानी, आरटीओ अधिकारी केतन खापड़, बालाजी वेफर्स के ओनर चंदू विरानी, लोधी का संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जडेगा समेत विशिष्ट लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना, क्या फिर हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है? और आज बढ़ती जाती जनसंख्या में कहां न कहां हम छोटी छोटी भूलें करते हैं और जल को वेस्ट करते हैं। हम जागृत हो जाए, खुद को अवेयर करें। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के निर्देशन में पूरा सप्ताह जल जन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ग्वालियर में विश्व जल दिवस पर विशेष संवाद। विश्व जल दिवस पर ग्वालियर के बैजाताल में भी विशेष संवाद का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम नगर निगम, पथ जीवनी संस्था, युवा संस्था, वृक्ष पर्यावरण फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दंदरोहा धाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व निदेशक गिरिराज गोयल, नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल, डिप्टी कमिश्नर शिशिर श्रीवास्तव, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके प्रहलाद, वाटर वीमेन सावित्री अंजलि समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। कहते ना, पेड़ ना खाते कभी अपना फल, नदी ना पीती कभी अपना जल। एक्चुअल में जो दूसरों के लिए जीता है वही जीवन है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी प्रकृति को संभाले, सजोए और उसका ध्यान रखें, उसका सम्मान करें, तो आप देखेंगे कि प्रकृति का सहयोग हमको मिलेगा। इस कार्यक्रम के अंत में 5 नदियों का जल बैजाताल में सभी अतिथियों के द्वारा विसर्जित कर जल संरक्षण का सभी से संकल्प कराया गया। सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में हाल ही में म्यूनिसिपल ऑफ सन जोस द्वारा आयोजित ट्रांसिटार्टिव फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज ने भी प्रतिभागिता की। व्हाट यू डू इंस्पायर्स थीम के तहत लगाए गए स्टॉल का हजारों लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें मेडिटेशन स्पेस, वर्चुस्कोप, वर्कशॉप जैसी अलग अलग गतिविधियों से सभी को सुख शांति की अनुभूति कराई गई। म्यूनिसिपैलिटी द्वारा संस्था के कार्यों की सराहना की गई, साथ ही आभार व्यक्त किया गया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूएसए ग्लोबल विमेन अलायंस द्वारा सेलिब्रेटिंग विमेन एम्पावरमेंट फॉर बेटर वर्ल्ड के तहत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में देश विदेश से कई मानुभावों की मौजूदगी रही। बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को दिल्ली में मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च स्टडीज के इंटरनेशनल गैदरिंग में भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हाल ही में इसराइल के लोगों की रिट्रीट संपन्न हुई, जिसमें 5 दिन तक अलग अलग गतिविधियों, वर्कशॉप्स, सेशंस, क्लासेस और राजयोग अभ्यास के माध्यम से सभी ने अपने अंदर के दैवी गुणों को पहचानने के साथ ही उन्हें परमात्म याद से और निखारने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं उनके कुछ अनुभव। For every mentor or every influencer who wants to get to know himself, to get to know his soul, and to connect to the Supreme Soul. I think that the hospitality here is one of the best I have seen in India, and I recommend everyone that wants to go inside and really improve their connection with the Supreme Soul, God, to come here and have those days of reconnecting, remembering, and really improving our quality of life. Thank you. And I came here to see how to connect with the meditation. I do meditation a lot of years, and I just came to go deeply with meditation and connection to the soul in order to be a better person and a better businessman. And I think that the combination between spiritual life, women are powerful, and they teach you how to connect, you know, to the supreme being and how to recognize you being a supreme soul. I'm a better person now. I've been here for 5 days. It seems like an eternity. I can divide even my life between before coming here and after coming here. I think being in Brahma Kumaris centers, it's a game changer for your life. So if you'd like to be better in every aspect of your life. इस रिट्रीट में वार्सी की निदेशिका बीके आशा ने भी सभी से मुलाकात कर उन्हें परमात्म प्यार की गहन अनुभूति कराई, साथ ही इस रिट्रीट में हुए अनुभवों को सदैव अपने साथ रखने का आह्वान किया। Which is totally secular, no pressures, open, and where everyone is broad-minded. The learning that we have, I'll be sharing with you. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।